आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सरफराज खान को किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा पिक नहीं किया गया था। हालांकि आईपीएल 2023 में सरफराज खान हमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पार्ट बनते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग से पहले अब सरफराज की रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें आईपीएल 2024 में एंट्री होते हुए देखने को मिलने वाली है। पूरी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आईपीएल 2024 के लिए सरफराज खान ने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू की दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के द्वारा सरफराज खान को अपनी टीम में एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर शामिल करने की पूरी तैयारियां हो रही है। दरअसल केकेआर की टीम ने गौतम गंभीर को अपना मेंटोर बनाया था और ऐसे में अब गंभीर ने केकेआर के मैनेजमेंट से अपील की है कि केकेआर की टीम की जो लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम रही थी वो था उनका मिडल ऑर्डर। ऐसे में अगर ये सरफराज खान को एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग लाइनअप पे शामिल कर लेते हैं तो फिर इनके मिडल ऑर्डर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ ही गंभीर के अकॉर्डिंग सरफराज खान जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं और डोमेस्टिक और उसके बाद अपने डेब्यू में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद वो आईपीएल में कॉल अप डिजर्व करते हैं। तो गौतम गंभीर के कहने पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सरफराज खान को नंबर 5 या फिर नंबर 6 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के बारे में सोच रही है। हालांकि अगर इनके प्राइस टैग की बात की जाए तो बहुत ज्यादा पैसे इनको नहीं मिल पाएंगे, करीब 20 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में ही सरफराज खान में केकेआर में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना, अगर सरफराज केकेआर की टीम में एज अ रिप्लेसमेंट शामिल होते हैं तो आपके हिसाब से उनका प्राइस कितना होना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।